राम राम भाइयों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक भैया। आज तो रेड ड्रेस पहनी है सालू की फरमाइश पे। यार सालू कल बोल रही थी ना कि आप ना रेड ड्रेस कभी नहीं पहनते हो, रेड में तो कतई फ्लावर लगते हो। मैं बोला चल भाई पहन लेते हैं। और भैया आज तो क्या बताऊँ यार, गर्मी इतनी हो रही है भैया। रात को तो कूलर वूलर खराब हो गई यार, रात भर तो सोए नहीं यार, आंखों में अभी भी नींद सी आ रही है यार, समझ नहीं आ रहा। और भैया निश्चल भी सकूल नहीं गया, अभी तक सो रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक सो रहा है। उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि भैया सकूल जाना है कि नहीं जाना। बोले पापा कूलर खराब हो गई, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। और सुबह में 4 बजे नींद आई, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम हुआ था सुबह के टाइम में, तब जाके उसको नींद आई है। तो इस चीज़ का फायदा उठा के लौंडा तो आज सकूल गया ही नहीं। आज तो मोटी घिया की सब्जी बना रही है, कतई दाल वाली है री। देख रेड टी शर्ट पहना है, फ्लावर वाली आज। तू तो बोली फ्लावर लगते हो, क्यों लगते नहीं है फ्लावर? फ्लावर के कांटे लगते हैं हम। अरे मेरी मैया, चल ठीक है बेटा, फ्लावर के कांटे लगते हैं ना। ठीक है ठीक है, नेहा के पास जाता हूँ और वो बोलेगी हमें तुम तो फ्लावर के रोज लग रहे हो रोज। वो कुछ छिपकली लगती तो हमें तो बोलेगी रोज। छिपकली को कांटा ही पसंद आया और क्या। तो हम कैसे पसंद आ गए तेरे को? अरे यार तू बकवास बहुत करती है सच्ची में। आज तो भैया घी की सब्जी बन रही है दाल वाली। एडी थोड़ा सा ना टहल वहल लिया कर, ठीक है ना? वजन बढ़ गया तेरा? मैं पहले से ही ऐसी है, खाते पीते घर की। एक डायलॉग बड़ा फेमस है हमारे यहाँ, अगर मोटे हो जाओ तो खाते पीते घर के, पतले हो जाओ तो सूखी हड्डी हो गए। अरे रहने दे, मोटे हो तो खाते पीते घर के हो और पतले हो तो फिगर मेंटेन। फिगर मेंटेन, गजब क्या बात है यार। लौंडा भैया सो रहा है, ये देखो डिस्टर्ब हो रहा है। अबे उठ जा, 10:30 हो रहे। नहीं यार 10 बज रहे, उठ जा। ये देखो भैया 10 बज गया लेकिन लौंडा सो रहा है। भैया रात में कूलर नहीं चलाना तो इसका फायदा उठा रहा है। अबे उठ जा मेरे भाई, तकिया मत रख। ये देखो हंस रहा है, बेटा कल से स्कूल जानी है, चाहे कूलर खराब हो या ना हो, तकिया तो मैं दे नहीं रहा। ये देखो तकिया चाहिए इसे। अबे तकिया दे, तकिया दे। अबे उठ जा। मैडम जी दही बल्ले की बात कर रही है, बोल रही है कि दही बल्ले तो बने नहीं। मैंने बोला भैया खुद तो तू दही बल्ले की तो दिख रही है, और दही बल्ले खाएगी पता चले तू ना और दही बल्ले बन जाए। अच्छा यार उस दिन हम लोग हरिद्वार गए थे ना, कसम से 10 प्लेट खा गई थी दही बल्ले। एक प्लेट से तेरा पेट भरने वाला है। 10 प्लेट खाई थी तू। अरे तेरे कानों के ना बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहते ये वाले कानों के ना, ऐसे ही कानों के ना नेहा भी पहनती है। कूटू तो तुमने अभी भी यहीं पे रामू के दुकान से ली थी ना, मैं लेके आ गया उसके लिए कल, देके भी आ गया। ये देखो गुस्सा, किसी लौंडिया का अगर बात कर लेना बीबी के सामने कतई में, फिर कूटने का प्लान बन जाता है। अरे कितना कूटेगी, सिलबट्टे पे कूटेगी क्या? चटनी है क्या? धनिया पत्ता है क्या जो तू पीस के चटनी बनाएगी? काम तो तुम्हारे वही है कुटने वाले। ये देखो यार क्या कुटने वाले काम है यार, मजाक भी नहीं कर सकता तेरे से। हैं नहीं कर सकता। ये पचफोड़ना जरूर डालेगी सब्जी में भैया। तो आज तो सब्जी बन रही है घी की, दाल की, और साथ में लहसुन वहसुन की देसी सब्जी बनाती है। और आज से मैंने एक प्रण लिया है। क्या प्रण लिया है? कि शाम के टाइम में खाना नहीं खाऊंगा भैया, सच्ची में। एक गुरुजी है जो बता रहे थे शाम के टाइम में खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो भैया आप शाम के टाइम में खाना नहीं खाना है। अरे हम तो इतने दिन खाना नहीं खाया जो पतले हो गए, ठीक है? तू अपने बारे में सोच, हमारे बारे में मत सोचा कर। मैं अपने बारे में सोचती हूँ भैया, पता ही होगा आप लोग देखते ही होगे 2 साल पहले मैं कितना मोटा था, अब देखो कितना पतला हूँ। डाइट फॉलो करता हूँ भैया, फिटनेस ट्रेनर रह चुका हूँ, और इसको भी मैंने वजन कम करवा दिए। पहले ये 65 की हुआ करती थी, अभी 55 किलो की है। लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा सा ना 50 किलो की हो जा सही रहेगा, 4-5 किलो और कम कर दे। तो 65 की हो गई तू? हाँ मतलब हाँ, तो यही चीज है। लेकिन भैया आज प्रॉमिस किया है भैया, एक गुरुजी बता रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था गुरुजी का, तो उसमें बता रहे थे भैया शाम के टाइम में खाना खाने की नीड्स नहीं है, तो आप खाना खाने की नीड्स नहीं है भैया, शाम के टाइम में खाना नहीं खाऊंगा। और यार भूखे रहोगे? भूखे रहना है, कुछ और खा लेंगे प्रोफेसर वाली। उठ गए शहजादे जी। अबे योगा कर रहे जो ऐसे बैठा हुआ है, मुस्कान देखो, स्कूल न जाने की मुस्कान। बेटा तेरी बुआ का फोन आया था, ठीक है ना? निष्कर्ष भी गया स्कूल, देखो तो स्कूल जानी नहीं है।
और देखो उठ के बैठ गया और योगा कर रहा है। अबे योगा कर रहा है तू? उठा है अभी, लोट पोट होएगा, ठीक है ना, फ्रेश होएगा, फिर मोबाइल पकड़ेगा, गेम खेलेगा, डोरेमोन यानी डोरेमोन देखने के तो स्कूल से छुट्टी करता है। अरे यार तू रहने दे, निश्चल निश्चल इधर 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 एक मिनट, इधर दिखा इधर दिखा, अपने उंगली दिखा, वो वाला दिखा, ठीक है ना। अरे मैया तेरी किस्मत में तो लिखा हुआ तो कल सकूल जाएगा है? हाँ कल सकूल जाएगा तू। रात को अगर तूने ड्रामा किया ना तो बता दूंगा मैं तेरे को। मैंने तेरी बुआ को भी बोल दिया कि ये अगर सकूल ना जाएगा ना तो फिर बता दियो। उसने बोला चल ठीक है हम फोन कर लेंगे, लौंडे को कमांड में ले लेंगे। बेटा अब तो सकूल जाना ही है तेरे को, समझ ले, तकिया मत दिखा मेरे को। क्या सपना आया था? अबे बता तो सही क्या सपना आया था? अरे बता तो सही, बुरा सपना आया था, मम्मी को बताएगा? ऐडी देख ले फिर से बहाने मार रहा है, बोला रात में एक बुरा सपना आया था, पता नहीं क्या बहाने करता रहता है, सच में आया था। ये देखो अभी ना बता रहा, बाद में बताएगा। शर्मा आ रहा है, चावल मत बनियो भाई, ये तो खा खा के चावल बन जाएगी तू भी। रोटी बनाऊं मैं, चावल खाती भी नहीं, ठीक है ना, तो रोटी बनाएगी और क्या। चल ठीक है भैया रोटी बना ले तू, लेकिन तेरी जो नेहा है ना वो तो इतनी चावल खाती है ना, कति चावल खा खा के चावल हो रही है, कति फैल गई है, पूरी कमरा बन गई है, उस कमरे में रहने को दिल करता है। मैंने बोला उसके कमरे में यार, क्योंकि धूप पानी ज़्यादा आती है वहाँ पे। क्या कर रहे हो आप? किसने आपको पकड़ रखा है? तूने तो पकड़ के रखा हुआ। मैं भी अरे तूने तो ऐसे कूदने का शौक है, वो आराम से जा। तूने तो ऐसे पकड़ा हुआ, हमें पता है कितने पकड़ा हुआ तूने। क्या पकड़ रखा? अबे यार ऐसे मत चीटुआ बड़ा कर यार, दर्द होता है यार। बता दूंगी भी नहीं पे। क्या है ये पागल? आप खुद माँ पागल। एक काम करो आप अपना बोरिया बिस्तर लपेट के ना उसके घर परमानेंट शिफ्ट हो जाओ, कुछ दिन वहाँ की भी हवा पानी खा के आओ, तब अकल ठिकाने आएगी आपकी। यार चलेगी बीवी की क्या कदर होती? अब हमारी गलती क्या है यार, जो हम पे वो मरती है तो हम क्या करें? रहते यहाँ पे और गुणगान करते हो कहीं और के। वो जब मरती है हम पे तो हम उसको क्या करें? बोला ना आपको खाना बना के देगी, कपड़े धोएगी, बीवी का फर्ज निभाएगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी दूर से ना सब कुछ अच्छा लगता है, जब सब करना पड़ता है ना तब हेकड़ी गायब हो जाती है। अरे बाप रे, ठीक है लेक्चर मत दिया कर तू, लेक्चर बड़ी देती है तू। बीवी की जगह आएगी ना उस दिन प्रेमिका बनना छोड़ देगी, प्रेमिका बनना छोड़ देगी। क्या पता है आप ही डींगे हकते रहते हो, मुझे तो नहीं लग रहा आपको कोई भाव देता भी होगा। तू हमारी प्रेमिका ना थी पहले, अब भी बनी है ना। 36 प्रेमिका तो तू कौन थी? कभी बोलते ये पसंद तू कौन थी हमें बता दे, तू कौन? मूढ़ी कलेश थी। मूढ़ी कलेश? ओ भाई गजब का डायलॉग, कहाँ से सीखी तूने? अपनी महतारी से सीखी होगी। अपनी महतारी से? महतारी हमारे में डायलॉग ही नहीं है। ओए होए ससुराल से सीख ली डायलॉग लाली ने। भैया जाके हम नहा लेता हूँ फटाफट यार, कसम से यार निकलना है भैया जॉब पे यार। चलो ठीक है भैया, कैसा लगन वीडियो? अच्छा लगन तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।